डोंट ट्राई सो हार्ड. यस, किसी चीज के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज वेल्थ अवॉइड्स स्ट्रगल्स, स्ट्रेन, पेन. डोंट ट्राई टू डू थिंग्स फोर्सफुली. यस माई डियर फ्रेंड, अपने आप को इतनी तकलीफ नहीं देना है. बहुत सारे और भी रास्ते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे. यस माई डियर फ्रेंड, यूनिवर्स के लॉ में वो पावर है. हमको सही रास्ता ढूंढना है. आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ. डोंट ट्राई सो हार्ड. आपने वैसे ही बहुत स्ट्रगल कर लिया है. नाउ इट्स टाइम, अब ये समय है खुद को फॉरगिव करने का. खुद के लिए थोड़े काइंड बनिए, सपोर्टिव बनिए. आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने कितना कुछ झेला है. नाउ इट्स टाइम टू अवॉइड ऑल दीज स्ट्रगल, स्ट्रेन, पेन, सब कुछ खत्म कर दीजिए. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? अगर आप वेल्थ को बनाना चाहते हो या इफ यू वॉन्ट टू बिकम रिच एंड सक्सेसफुल, तो वेल्थ जो है वो अवॉइड करती है किस चीज को? स्ट्रेन को, या पेन को, या स्ट्रगल को. आप एक बार इमेजिन करके देखिए, इफ समबडी इज वेरी मच रिच एंड सक्सेसफुल, अगर कोई रिच एंड सक्सेसफुल है तो क्या वो स्ट्रगल कर रहा होता है? जो रियल सक्सेसफुल है. बहुत सारे लोग जो हैं जो ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं, वो स्ट्रगल होके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी एक एरिया में. हो सकता है फाइनेंशियली ही बस वेल्दी हो, बाकी अदर एरियाज जो लाइफ के हैं वो उतने अच्छे नहीं हो रहे हो. तो मैं एक सभी एरिया में जो सक्सेसफुल है या आइडियल सक्सेसफुल पर्सन की बात कर रही हूँ कि इफ समबडी इज रिच एंड सक्सेसफुल तो स्ट्रगल को अवॉइड करता है, क्योंकि वेल्थ की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रगल और स्ट्रेन की फ्रीक्वेंसी कभी भी मैच नहीं करती, वो हमेशा बिलो रहती है. क्यों? क्योंकि स्ट्रगल और स्ट्रेन किस लिए होता है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है फियर, एंजाइटी. यहाँ हमारे अंदर जो डर बना रहता है, फेलियर का डर बना रहता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सभी आपकी जो वेल्थ की फ्रीक्वेंसी है या जो एनर्जी है उसको ब्लॉक करते हैं. कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन को डिले करते हैं, कहीं ना कहीं उसको रोकते हैं. तो अगर आप वेल्दी और रिच बनना चाहते हो तो आज से अपने लिए काइंड बनिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए. स्ट्रगल वाले रास्ते पे ज़्यादा नहीं जाना है, वहाँ थोड़ी देर रुक जाइए. अपनी लाइफ जो रेट रेस में भागे जा रहे हैं, थोड़ा पॉज लीजिए. अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, पीस को महसूस कीजिए. जब आप पीस को महसूस करोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्ट्रेस की फ्रीक्वेंसी है या फियर की फ्रीक्वेंसी है, एंजाइटी की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ये अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में जाएगी. और आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो. अभी एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम राइट मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं. तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी मेडिटेशन सही या गलत नहीं होता है. मेडिटेशन में आपको सिर्फ एक क्वाइट प्लेस पे बैठना है और अपनी ब्रीदिंग या सांस पे ध्यान देना है. बस उसको आते ऑब्जर्व करना है, जाते ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट. किसी भी एक चीज पे अगर आप ध्यान केंद्रित करते हो तो वो मेडिटेशन होता है. और ये कोई सबके लिए डिफरेंट होता है, कोई एक सर्टिफाइड मेडिटेशन का एक्सपीरियंस नहीं है कि हर कोई अगर वही एक्सपीरियंस करेगा तभी सही मेडिटेशन होगा. नो, हर किसी के डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, हर किसी को मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है और होना भी चाहिए. बिकॉज यू आर यूनिक, आपकी अलग कैपेबिलिटी है, इमेजिनेशन की अलग है, आपकी चीजों को एक्सपीरियंस करने की अलग है, रियलिटी से आप कैसे रिएक्ट करते हो उसकी अलग है, इतने सालों में आपका जो माइंडसेट बना उसकी अलग है, सब कुछ अलग है. तो उसका एक्सपीरियंस भी अलग होता है और रिजल्ट भी अलग होता है. तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि कोई भी रॉन्ग या राइट मेडिटेशन नहीं होता है. आप धीरे धीरे शुरू कीजिए,
आप शांति से 5 मिनट बैठिए, भले खुद से सेल्फ टॉक कीजिए, हो सकता है बहुत सारे विचार उस समय आ रहे हो, आने दो उनको, आने दो जाने दो, उस पर अटेंशन नहीं देना। अटेंशन किस पे देना है? ब्रीदिंग पे। और जब आप ये मेडिटेशन करोगे, प्रेयर करोगे, तो हम गॉड से कनेक्टेड होते हैं। वो कैसे पता चलता है? आप सिर्फ लव की फ्रीक्वेंसी रखिए, आप खुद की आत्मा से प्यार कीजिए, खुद को माफ कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। अगर आपने कुछ भी अच्छा काम किया हो, चलो एक दिन आपने मान लो मेडिटेशन ही किया हो, तो उसके लिए थैंक यू बोलिए। लव की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की के पावर और विस्डम की फ्रीक्वेंसी है, और जब आप उससे कनेक्ट हो जाते हो ना, तो वो आपको जो आपने इतने सालों से जो उसको फीड किया है, जो प्रोग्राम किया हुआ है, अगर नेगेटिव है तो उसको भी धीरे धीरे पॉजिटिव करने लगता है, क्योंकि लव की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रहती है। इसीलिए सेल्फ लव को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और क्या होता है, जब हम लव की फ्रीक्वेंसी में मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फीलिंग आती है, वो वाइब्रेशन आते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग इमोशन को समझता है, और फिर जब अपना कॉन्शियस माइंड क्वाइट होता है, क्वाइट मतलब शांत, जैसे मेडिटेशन में आप बैठे हो, आप सिंपली कहीं भी अटेंशन दे सकते हो। कई मेडिटेशन तो ऐसे होते हैं कि जिसमें आप सिर्फ आंख बंद करके, अगर ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं जा रहा है, तो आप ये फैन की आवाज को भी सुन सकते हो, या एसी चल रहा हो तो उसकी आवाज भी सुन सकते हो, कहीं किसी वर्ड की आवाज आ रही है तो वो भी सुन सकते हो, कुछ भी, कहीं भी आपको एक फोकस देना और काम, कूल, पीसफुल फील करना है। और उस समय जब आपका कॉन्शियस माइंड क्वाइट हो जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड माइंड सरफेस पे आ जाता है, जो अभी के कॉन्शियस माइंड है उसको ओवर पावर कर जाता है, और फिर उस पावर में आपको कुछ इंट्यूशंस आते हैं, और वो जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो उस रूप में होता है, तो ऐसे आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आज की वीडियो का बनाने का बस मेरा यही उद्देश्य है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। यस, हर व्यक्ति कितनी परेशानी से सर्वाइव कर रहा है, 98% लोग बस सुबह से जो रूटीन शुरू होती है शाम तक कैसे खत्म होती पता ही नहीं चलता है, इतने सारे नेगेटिव इमोशंस को हमको फाइट करना पड़ता है, स्ट्रगल, ट्रैफिक, महंगाई, ऊपर से रिलेशंस में हमेशा धोखे होना, या जो हम करना चाहते हैं उसको करने नहीं देना, लेग पुलिंग होना, इन सबको ओवर पावर करने के लिए कहीं ना कहीं हमको खुद से बात करनी चाहिए, खुद को समय देना चाहिए, खुद के लिए काइंड बनिए, खुद को फॉरगिव कीजिए, आपका स्ट्रगल, ट्रस्ट मी, आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। आप जितना जिस चीज के पीछे भागोगे वो आपको भगाते ही रहेगा, आप रुक जाइए। जब आपके अंदर हर चीज का सोर्स है, तो उसको हार्नेस करना सीखिए, अपनी लाइफ में फ्लो कैसे करना है वो सीखिए। और मेरा उद्देश्य यही है इस वीडियो का कि आपको मैं बताऊं कि रुक जाओ, खुद की बात सुनो, खुद से क्वेश्चन करो कि मैं जब इतना पावरफुल हूं तो मेरे पास वो चीजें क्यों नहीं है, कौन सी वो चीज है जो मैं करूंगा तो मुझे मेरी मनचाही लाइफ मिलेगी। वो सब कुछ आपको मेडिटेशन से मिलेगा। जब हम खुद को देखने लगते हैं, खुद की एनर्जी को पहचानने लगते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हम ऐसे क्यों हैं, हम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। खुद को समझना शुरू कीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेडिटेशन इज द इजीएस्ट वे। ये लगता जरूर है कई लोगों को, एक जगह रुक के खुद के बारे में सोचने में ही डर लगता है, वो खुद की बात ही नहीं सुनना चाहते, बट माय डियर फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो मेडिटेशन करना है आपको, इसी से ही आपके स्ट्रगल खत्म होंगे, पीस फील होगा, और पीस और वेल्थ की जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल सेम है। आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक्स को आपको यूज नहीं करना है, खुद से बात कीजिए, खुद के पुराने ट्रॉमा याद कीजिए और उसको रिप्लेस कर दीजिए। आपके पास है वो कैपेबिलिटी कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हो गुड वन से, आप शुरू कीजिए। जब आप शुरू करोगे किसी भी चीज को ना, तो रेडी हो जाइए दूसरों की जो रिएक्शन होंगे आपके लिए उसको बर्दाश्त करने के लिए। आप
क्यों डरते हो किसी भी रिएक्शन से, या काम करने की शुरुआत करने से क्यों डरते हो? जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो आपकी लाइफ में क्या ऐड कर रहे हैं? हम क्यों उनकी बात सुने और क्यों उनकी चीजों पे हम अपने आप को रोक लें कि नहीं, अब नहीं कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं? क्यों? वो आपकी लाइफ में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, आपकी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस तरह के लोग केवल लेग पुलिंग करते हैं और कुछ नहीं करते। आपको किसी की बात नहीं सुननी है, खुद की बात सुननी है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और खुद से खुद के कमिटमेंट जरूर उसको करिए। मान लो आपने कमिट किया कि कल मैं ये करूंगा, तो उसको करिए, क्योंकि जब तक खुद पे खुद का ट्रस्ट नहीं बिल्ट होगा तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कितने मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, बात सुन लीजिए, कभी कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद पे वर्क नहीं करोगे। तो वो काम कीजिए। और मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, वो इसी से याद आ रही है कि हमको बहुत ज़्यादा हार्ड काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के स्टूडेंट ने उनके साथ अपनी सक्सेस का सीक्रेट शेयर किया। तो वो स्टोरी है एक सैलून ऑपरेटर की। उसने नई अपनी सैलून खोली, और वो जब भी ये सैलून का दरवाजा खोलती तो खोलने से पहले मॉर्निंग में एक प्रेयर बोलती, और फिर प्रेयर बोलने के बाद में दरवाजा खोलती। तो वो प्रेयर क्या थी? वो प्रेयर ये थी, दैवीय शांति मेरी आत्मा को भर रही है, दैवीय प्यार मेरे अंदर से क्लाइंट तक फ्लो कर रहा है, दैवीय प्यार मेरी आत्मा को और मेरे शरीर को संतुष्ट कर रहा है, हीलिंग पावर और देवीय प्यार अंदर जा रहा है मेरी दुकान में और वहां से बाहर आ रहा है, और ये जो हीलिंग पावर है ये मुझे मार्गदर्शन देता है, या इन्फिनिट इंटेलिजेंस मुझे गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, समृद्ध बनाता है और इंस्पायर करता है। और यही हीलिंग पावर और दैवीय प्यार मेरे क्लाइंट्स को हील करता है, इंस्पायर करता है, उनके जीवन में जहां भी किसी चीज की कमी है उसको भरता है। और ये दिन डिवाइन डे है मेरे लिए, ये दिन ईश्वर ने बनाया है मेरे लिए, इसलिए इसको मैं रिजॉइस करती हूँ और उन सब के लिए थैंक यू बोलती हूँ जो जितने मेरे क्लाइंट हैं जो यहाँ आए, इंस्पायर्ड हुए, हील्ड हुए, उन सब के लिए थैंक यू। इस तरह की प्रेयर वो रोज बोलती। उसने सेम यही प्रेयर एक कार्ड में लिख के अपनी शॉप में अंदर टांग रखी थी। उसको वो दिन में एक दो बार पढ़ती भी थी और उसको फेथफुली पढ़ती थी, और जब रात होती तो सोने से पहले वो ईश्वर को थैंक यू बोलती और कहीं ना कहीं सारे क्लाइंट्स को भी ब्लेसिंग्स देती कि उनकी लाइफ में कभी किसी चीज की कमी ना हो, वो हमेशा प्रॉस्पेरस हो, ब्लेस्ड हो, हील्ड हो, और थैंक यू बोल के और सो जाती थी। उसने 3 महीने ऐसा किया और उसके बाद उसकी सैलून में इतने क्लाइंट आए, इतने कस्टमर आए कि वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उसको 3 और स्टाइलिस्ट रखने पड़े। तो आप देखिए कैसे सिर्फ 3 महीने के अंदर उसकी सैलून एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुई। ये होता है गॉड का पावर, ये होता है खुद का पावर। खुद पे भरोसा रखिए, काम करना शुरू कीजिए, किसी से भी नहीं डरना है। क्यों डरना? मैंने अभी हाई वैल्यू वुमेन के बारे में कुछ मैंने पढ़ा, तो मैं उसका वीडियो भी शायद शेयर करूंगी, और हो सकता है इस वीडियो के पहले वो वीडियो रिलीज हो गया हो। तो उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, हाई वैल्यू मैन या वुमेन, दे आर विलिंग टू ग्रो। तो अगर आपकी हाई वैल्यू है तो आप तैयार हो ग्रो करने के लिए, आप रेडी हो ग्रो करने के लिए, तो ग्रो करना ही चाहिए। माई डियर फ्रेंड, आज से आप स्ट्रगल करना छोड़ दीजिए, पीस महसूस कीजिए, खुद को माफ कीजिए, अपने पैशन ढूंढिए, कुछ वर्क ऐसा कीजिए जिसमें आपको अंदर से शांति मिले। एक प्रेयर बनाइए, रोज बोलिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपकी लाइफ चेंज होते देर नहीं लगती।
यस, तो आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू ऑल, और आज का मैसेज यही है, डोंट ट्राई सो हार्ड, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन.